उत्तर प्रदेश में शुक्रवार के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई थी। ऐसे सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। गोरखपुर समेत तमाम जिलों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। कई जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले दिनों यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस चौकन्नी हो गई है। शुक्रवार के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर शहर सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के गश्त की ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए गोरखपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तैयारी है जिला प्रशासन की, इस बार व्यवस्था किसी भी तरह की न बिगड़े और इसी वजह से हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, एसएसबी और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार सड़कों पर घूम रही है। लोगों को ये मैसेज दे रही है कि इस बार अगर गड़बड़ की तो पुलिसकर्मी उनको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, और जिले के सभी बड़े अधिकारी, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो या फिर जिले के डीएम हो, स्वयं सड़कों पर उतर करके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील कर रहे हैं। जिलाधिकारी गोरखपुर की अगुवाई में सुरक्षा बलों का ये फ्लैग मार्च लोगों में अमन शांति कायम रखने के लिए किया गया। पिछली बार भी हमारे पास काफ़ी फोर्स थी, इस बार पैरामिलिट्री भी आ गई है, आप देख सकते हैं, और इस समय हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दी। गोरखपुर के साथ ही मुरादाबाद में भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पिछले शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई थी, लिहाजा प्रशासन इस बार सुरक्षा इंतजाम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी गई है। जिन जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है उनमें सीतापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बिजनौर, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद शामिल हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच यूपी के डीजीपी ने पिछले हफ्ते हुई हिंसा की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ हुए सभी हिंसक प्रदर्शन की जांच एसआईटी करेगी। हर जिले में एडिशनल एसपी क्राइम एसआईटी की अगुवाई करेंगे। जिन जिलों में एएसपी क्राइम का पद नहीं होगा वहाँ एएसपी सिटी अगुवाई करेंगे। एसआईटी टीम को बिना सबूत किसी गिरफ्तारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए। एसआईटी जांच के आदेश के साथ ही डीजीपी ने सभी जिलों में पुलिस जवानों को अलर्ट कर दिया है और हर संभव एहतियात बरतने की सलाह दी है ताकि किसी भी हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।